देश में चल रहे हैं। तालिबानियों को हिंदुस्तान में आने के लिए ट्रेन की जरूरत नहीं है, प्लेन की जरूरत नहीं है। तालिबान एक सोच है और वो हिंदुस्तान में दाखिल हो चुकी है। हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो हम पर थूकेगी अगर हमने कुछ नहीं किया। इस वक्त यही समय है कुछ करने का। भारत की सरकार जो अफजल गुरु को फांसी के फंदे पर नहीं लटका पाई, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या यह वक्त नहीं आ गया है कि हम उसको फांसी पर लटकाएं? मर्सी पिटीशन के बहाने 45 आतंकवादियों को फांसी हुई है और मर्सी पिटीशन के बहाने उनकी फांसी रोक कर रखी गई है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये देश और दुनिया की बातें हैं, हमारा तो छोटा सा तालुका है, हमारी समस्या भी छोटी छोटी है। मेरे भाइयों, जब आप ग्लोबल विलेज में रहते हैं तो आप पूरे ग्लोब से जुड़े हुए रहते हैं। ये समस्या छोटी भले नजर आती हो मगर ये किस पल विस्फोटक हो जाएंगी और बढ़ जाएंगी आपको इसका अनुमान नहीं होगा। किसी दिन किसी रात आप जब सोकर उठोगे तो आप पाओगे कि आप हिंदुस्तान में नहीं हो, आप कोई और देश में आंख खोल रहे हो। आज हम अखंड भारत की बात कर रहे हैं और वहां पर नॉर्थ ईस्ट में देखिए मेरी आंखें भर आ रही हैं। मैं आप लोगों को वास्तविकता बताना चाहता हूं। मुझे बहुत ज्यादा पीड़ा है, मुझे बहुत ज्यादा टीस है। मुझे गौरव अगर 10% है तो गुस्सा 90% है। मुझे हिंदू धर्म पर बहुत गौरव है, बहुत फख्र है, उसके आलीशान इतिहास पर मुझे नाज है। मगर आज जो हिंदुओं की दयनीय स्थिति है, हम उस आलीशान इतिहास के पीछे उस दयनीय स्थिति की बात ना करें तो ऐसा पारस राजपूत करेगा नहीं। उस दयनीय स्थिति की बात जो भी मौजूदा है वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। हर वर्ष 800 हिंदू लड़कियों का जिनकी उम्र 10 साल से कम है उनका बलात्कार हो रहा है। नाम और शोहरत के लिए, सिर्फ नाम अपना समाज में ना उछले, इस वजह से कई बार मां बाप कंप्लेन तलक नहीं करते हैं। कितनी लड़कियों की किडनैपिंग हो रही है उसका आंकड़ा गवर्नमेंट ट्रैक नहीं कर पा रही। मैं नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स की बात करता हूं। 7 स्टेट्स हैं, सब लोग ध्यान से सुने, 7 स्टेट्स हैं। असम है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, ये जो स्टेट्स हैं यहां पर बांग्लादेश से भारी इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। वहां का जो आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है हुजी, उसके हजारों लाखों आतंकवादी बांग्लादेश में घुस चुके हैं और ये भारतवर्ष नॉर्थ ईस्ट इंडिया में घुस चुके हैं। ये भारतवर्ष 2,20,00,000 की अतिरिक्त बांग्लादेशी आबादी का वजन उठा रहा है। ये जो 7 स्टेट्स हैं, इसको इंडिया से जोड़ने वाला जो हिस्सा है वो 480 किलोमीटर का है, जिसको हम चिकन लेग पीस बोलते हैं। किसी भी पल इस चिकन लेग पीस को हिंदुस्तान से काट दिया जाएगा और ये 7 की 7 स्टेट्स हमसे अलग हो जाएंगी और फिर इसी तरह हम एक और अखंड भारत दिवस मनाएंगे। क्या आप ये होने देंगे? नहीं। क्या आपको अपने जमीर से इतना प्यार है कि आप भारत माता के लिए तन मन धन कुर्बान करने को तैयार हों? मैं आप लोगों से एक संकल्प चाहता हूं। मैं कुछ कहूंगा, आप जवाब सिर्फ नहीं में देंगे। पीछे लोगों को आवाज आ रही है? क्या आप गद्दारों से दोस्ती करेंगे? नहीं। जो लोग भारत के क्रिकेट मैच हारने पर पटाखे फोड़ते हैं, नहीं। क्या आप उनसे व्यवसाय करेंगे? नहीं। जो हमारी माता को, हमारी गाय माता को काट कर खा जाते हैं,
क्या आप उनके रिक्शों में बैठेंगे? नहीं। जिन लोगों ने 1528 में, जिस बाबर ने 1528 में रामलला का मंदिर अयोध्या में तोड़ डाला, उस बाबर के वंशजों से क्या आप मित्रता रखेंगे? नहीं। 1947 में 14 अगस्त को जिन मुसलमानों ने पाकिस्तान बना लिया, और जो मुसलमान इस हिंदुस्तान में और 10 पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, क्या आप उनके मंसूबों को कामयाब होने देंगे? नहीं। भारत माता की जय।